नमस्कार। टीम इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन और धुआंधार बैट्समैन रोहित शर्मा इन दिनों सुपर फॉर्म में है। अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली और सबसे ज्यादा रन भी बनाए। वर्ल्ड कप में किसी बैट्समैन ने अगर सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो रोहित शर्मा थे। लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, हाल के कुछ सालों में हमने ये देखा है कि रोहित शर्मा चलते हैं तो टीम इंडिया चल जाती है। रोहित शर्मा का बल्ला अगर बोलता है तो टीम इंडिया का बोलबाला होता है। हम आज जानेंगे रोहित शर्मा के पूरे करियर के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या रोहित शर्मा की कुंडली में ऐसा योग है कि टीम इंडिया की अगुवाई वो कर सकते हैं, क्या वो कैप्टन बनेंगे या नहीं बनेंगे, रोहित शर्मा कब तक इसी तरह फॉर्म में नजर आएंगे, कब तक उनके दिन अच्छे चलेंगे, ये भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दैवज्ञ श्रीपति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, वंदे मातरम। और हम आज जानेंगे त्रिपाठी साहब की कैसा है रोहित शर्मा का करियर और कैसा रहेगा रोहित शर्मा का करियर। शुरुआत करते हैं, मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या रोहित शर्मा की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वो टीम इंडिया के कैप्टन बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन हम इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले आप बताइए कि रोहित शर्मा की कुंडली क्या कहती है। रोहित शर्मा जी की जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है और इनके लग्न में ही सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। थोड़ा ग्रह के बारे में विस्तार से आपको बता दूं, इनकी राशि जो है वो वृषभ राशि है, वो धन भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ विराजमान है। इनके छठे स्थान में केतु बैठे हुए हैं, अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और द्वादश स्थान में 12वें स्थान में गुरु राहु और शुक्र की युति बनी हुई है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है ये राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। अभी इनका समय जो है पिछले 2 साल से काफ़ी बेहतर चल रहा है और अभी आने वाले समय में भी ये काफ़ी बेहतर करेंगे। इनकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, ग्रहों में सूर्य को राजा बोला जाता है, सूर्य जो प्रत्यक्ष ग्रह है, एक उच्च के ग्रह कई करोड़ राज्य को अकेले देने वाले होते हैं। रोहित शर्मा जी की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, समय इनका अच्छा चल रहा है, इनको कप्तानी मिलने के पूरे चांसेस है। तो दशाएं भी जो बता रही हैं, चूंकि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, यह दोनों ग्रह इतने अच्छे हैं इनके लिए कि निश्चित रूप से करियर में ये अपने सबसे सर्वोच्च स्थान में, सबसे अपने क्लाइमैक्स में, सबसे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा का अभी कप्तान बनने के चांसेस बने हुए हैं और वो कप्तान बन सकते हैं, अच्छी बात यह है रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनके लिए भी। अभी वो विश्व कप में पिछली बार जैसे खेले थे उससे भी बेहतर अभी खेलेंगे, उनका समय ग्रह के अनुसार काफ़ी बेहतर चल रहा है। अभी आने वाला भी जो समय वो काफ़ी बेहतर रहेगा, ये धुआंधार बैटिंग करेंगे, ये अपना काम काफ़ी बेहतर करेंगे, लोगों का काम इनको पसंद आएगा और अपने काम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। समय जो है इनका बेहतरी वाला बना हुआ है, सूर्य की कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, निश्चित रूप से ये बेहतर करते चले जाएंगे। केवल ध्यान देने योग्य बात ये होगा प्रशुन जी कि चूंकि राहु की इनकी दशाएं हैं तो वाद विवाद और किसी प्रकार के झंझट जो है इनके हाथी में के पांव में जैसे रस्सी बांध के दौड़ाया जाता है तो हाथी वो स्पीड से नहीं दौड़ पाती है, ठीक उसी प्रकार दशाएं इनकी जो लगी हुई हैं विरोधाभास के कारण इनके अपने या किसी से झंझट करेंगे तो इनके जीवन की और कार्यों की जो गति है उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा किसी भी प्रकार के झंझट, किसी भी प्रकार के वाद विवाद, किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, किसी भी प्रकार की कहासुनी, कोई भी झंझट, इससे बचने का प्रयास करें और अपने करियर पे फोकस दें। समय इनका काफ़ी बेहतर है, अभी 2-3 साल अपने जीवन में ये बेहतर कार्य करेंगे और यह जो है इनके लिए बेमिसाल साल साबित। वाह वाह। तो मतलब ये कि अभी आने वाला टाइम रोहित शर्मा का टाइम रहने वाला है, बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा बेहतर खेलेंगे, ये पंडित जी का कहना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पंडित जी, अभी हमने देखा कि विराट कोहली के साथ उनका टकराव इन दिनों बढ़ गया है, विराट कोहली से काफ़ी टेंशन बढ़ गई है, विराट कोहली इस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, आने वाले दिनों में इस टकराव का क्या अंजाम होगा, रोहित शर्मा की कुंडली क्या बता रही। देखिए मैंने पिछली बार भी विराट कोहली जी की भी कुंडली मैंने देखी थी, संभवतः उनकी भी राहु की दशा है और इनकी भी राहु की दशा है, तो ये लोग वाद विवाद एक दूसरे को करेंगे, झंझट करने की परिस्थिति बनेगी, इसलिए किसी भी प्रकार से जिसका जो अपना दायरा है
उस दायरे में रह के काम करे, अनावश्यक झंझट किसी प्रकार का न करे। लेकिन जहां कोहली और इनकी कुंडली की दोनों की बात करेंगे, दो आदमी दौड़ता है तो एक आदमी विजेता होता है, तो कोहली से काफी बेहतर इनकी कुंडली बता रही है। और अभी जो इनका समय है, जी निश्चित रूप से कोहली को पीछे छोड़ देंगे। क्या ये कैप्टनशिप भी कोहली से छीन लेंगे आप? ये मैं छीनने की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रह दशाएं ये बता रही हैं ये विजेता की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको बेहतर करने के परिणाम मिलेंगे। अब एक बहुत बड़ी बात ये है कि रोहित शर्मा के फैंस ये जानना चाहते हैं उनका करियर और कितना लंबा चलने वाला है, क्या वो अभी 10 साल और खेल सकते हैं? बहुत आगे तक खेलेंगे ये। ऐसे लोग जो हैं, मेष लग्न वाले जातक और सूर्य जिनके उच्च के रहते हैं, ऐसे जातक थकते नहीं हैं, ये 2400 घंटा काम करते हैं। ऐसे जातक काफ़ी मेहनती होते हैं, शेर के जैसा होते हैं, अपने दिशा को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को वो केंद्रित करके दौड़ते हैं और निश्चित रूप से विजेता बनते हैं। आने वाले समय में इनके संरक्षण में ही विश्व विजेता, ईश्वर की कृपा होगी तो हमारा देश बनेगा। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें रोहित शर्मा का बल्ला बोलेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगले साल जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें भी रोहित शर्मा का ही बोलबाला रहे? देखिए, जो ग्रह दशाएं बता रही हैं, चूंकि राहु आने वाले हैं और राहु अभी चल ही रहे हैं और राहु में भी सूर्य जाने, शुक्र जैसे बीतेंगे उस समय सूर्य का अंतर आ जाएगा, तो थोड़ा सा ग्रहण है। लेकिन जहां पे सूर्य उच्च के हैं, किसी प्रकार का कोई ग्रहण काम नहीं करेगा और ये निश्चित रूप से बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये T20 में भी आगे बढ़ेंगे, उसमें भी विजेता का तरफ बढ़ेंगे और इनको बड़ा जो है पदभार मिल सकता है और आगे ये बढ़ सकते हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कैप्टन बनने के चांसेस कब तक हैं? क्या जो वेस्टइंडीज दौरे से टीम इंडिया लौटेगी उसके बाद क्या रोहित शर्मा कैप्टन बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद उनके फैंस लगाएं? उनका समय आज ही से चल रहा, अभी पिछले महीना 2-3 महीने से इनका कैप्टन बनने का चांसेस है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कैप्टन बनेंगे। इससे भी बड़ी बात कि हमने देखा कि मुंबई इंडियंस के वो कैप्टन हैं और वो मुंबई इंडियंस शानदार खेल रही है, लगातार जीत रही है, पिछला IPL भी इसी टीम ने जीता। तो एक बड़ी बात यह है कि उनकी अगुवाई में एक टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है। IPL में कैसा खेलेंगे रोहित शर्मा? देखा जाए, आपने मुंबई वाली की बात की तो यहाँ पे सेनापति जो है रोहित शर्मा जी हैं और रोहित शर्मा जी की सूर्य कुंडली और D9 चार्ट देखें, D10 चार्ट देखें, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जहाँ भी रहेंगे, वो मुंबई रहें या दिल्ली आए या कहीं जाए, तो सूरज जो है वो कहीं जाएगा तो उजाला ही देगा। तो ये निश्चित रूप से बेहतर करेंगे, इनका ग्रह जो है इनको बेहतरी की तरफ ले जा रहा है और इनको विजेता बनाएगा। और शायद इसलिए अगर IPL की टीम वाले ये देख रहे होंगे, ये शो देख रहे होंगे, तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि रोहित शर्मा को अपनी तरफ खींचे। रोहित शर्मा जहाँ हैं जीत वहीं है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि उनकी छवि एक दो वजहों से बहुत खराब हुई। उन्हें ये माना गया कि वो विवादों को मोल लेते हैं, उन्हें खरीदते हैं। अनुष्का शर्मा के साथ उनका विवाद हमने देखा, इसी तरह विराट कोहली के साथ उनका हमने अब विवाद उनका दिख ही रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है कि मैं किसी टीम के लिए नहीं, मैं देश के लिए खेलता हूं। और ये ऐसा लगता है जैसे वो खुलेआम BCCI को या टीम के वैसे लोग जो गुटबाजी कर रहे हैं, या हो सकता है रोहित शर्मा ही गुटबाजी करें, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल उनके करियर में परेशानीदायक हो सकता है, क्योंकि ग्रह जो है, लाख आपके ग्रह अच्छे हैं, अगर आपके बात विचार अच्छे नहीं है, आपके संबंध ठीक नहीं है, आपका वाणी संप्रेषण ठीक नहीं है, राहु जो है इनको बात विवाद में फंसा के, इनको बोली के कारण जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलने देगा, इसलिए इनको संयमित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक पद है तो दावेदार तो कई हैं, लेकिन इनको संयमित होकर बढ़ना पड़ेगा और किसी भी के ऊपर, या वो अनुष्का शर्मा जी हों या उनके हस्बैंड हों, कोहली हों या कोई भी हो, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संयमित रहें, कम बोलें और अपने कार्य पे फोकस्ड रहें, ये निश्चित रूप से कोहली से भी बेहतर करेंगे। कोहली से तो बेहतर कर रहे हैं, वो हमने देखा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि विवादों से उन्हें बचना होगा। अगर वो विवादों से बचेंगे तो शायद उनका करियर और लंबा चलने वाला है। लेकिन एक और बात है, हमने ये भी देखा कि BCCI में उनकी बहुत गहरी पैठ हो गई है। भले ही ये भी देखा गया कि कोई भी खिलाड़ी बाहर जाता हो, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे तब भी उन्हें टीम में लगातार जगह मिलती रही, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं पंडित जी? BCCI के लोग रोहित शर्मा को इतना क्यों मानते हैं? देखिए, विगत 2 वर्षों का ग्रह का दशा जो है, चूँकि इनकी शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र जो है इनके लिए काफ़ी बेहतर है और सूर्य तो प्रतापी बनाता है ना, आप काम यहाँ करते हैं और आपकी प्रतिष्ठा इंग्लैंड में होती है, वहाँ तो आप काम नहीं कर रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी जहाँ तक जाएगी,
जहां तक सूर्य होगा उनकी वहां तक प्रतिष्ठा होगी। और पीछे विगत दो वर्षों से इनका समय काफी बेहतर चल रहा था, इसलिए विशेष आई के लोग भी इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काम से ही सबकी पहचान है। तो ये इतना बेहतर करते हैं, इतना बेहतर खेलते हैं, इनका बल्ला बोलता है, लोग इनको इसी से पसंद करते हैं और बीसीसीआई वाले भी इसे पसंद करते हैं। केवल वाणी दोष के कारण, आरोप प्रत्यारोप के कारण इनकी छवि थोड़ी धूमिल हो रही है, इससे बचने का इनको प्रयास। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सवाल ये कि उनकी कुंडली क्या बताती है, क्योंकि हमने देखा हाल के दिनों में उन पर ये आरोप लगता रहा है कि वो गुटबाजी करते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो खिलाड़ियों को भड़काते हैं, क्या ये इसमें सच्चाई हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रह जो है ये चूंकि इनको बदनाम करने का, इनकी छवि को कम करने का वो प्रयास करेगा, तो इस इधर इनको देखने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यों के प्रति अर्जुन के जैसा अपने गोल को बनाएं, अपने एम को सुरक्षित रखें, आगे बढ़ें, यह निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। तो ये थी रोहित शर्मा की कुंडली, जो बताती है कि बहुत शानदार उनका करियर रहने वाला है। ये कुंडली ये भी बताती है कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में वो कैप्टन बनने के भी हकदार रहेंगे, यानी कैप्टन की जो पोस्ट है वो रोहित शर्मा को मिल सकती है, विराट कोहली की जगह वो ले सकते हैं और इसके लिए योग्य भी हैं। रोहित शर्मा काबिलियत है, अच्छा खेलते हैं, हाल के कुछ सालों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह रोहित शर्मा का बल्ला बोलेगा, इंडिया का बोलबाला बोलेगा। नमस्कार।